न्यूज धमाका लाइव, यहां सिर्फ सच ही दिखेगा। बड़ा बांगी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी पोरस सिंह ने लगाया जोर, जनता का भी मिल रहा है भरपूर समर्थन। अपने घर में ही क्लिनिक खोलकर पिछले 25 वर्षों से कर रहे हैं गांव के मरीजों की सेवा, दवाइयां तक देते हैं निशुल्क। आपके यहाँ से एक प्रत्याशी लड़ रहे हैं, आप क्या उम्मीद लेके उनको देख रहे हैं? ये जो प्रत्याशी है तो परेश सिंह, पहले वो भूमिका थे, कुछ काम किया जी, उम्मीद है अभी उसे भी बढ़िया करेंगे, क्योंकि ये गांव में काफी दिनों से सेवा दे रहे हैं। हाँ जी हाँ, बड़ा बाकी क्षेत्र में हमको नहीं लगता है कोई ऐसा प्रत्याशी है। हाँ अभी देखा जाए, फिलहाल जितना भी कैंडिडेट है ना उसमें से बेहतर माना जाएगा, अभी तो हम लोग सोच भी है कि निकल जाए। तो आप लोग कितना प्रयास करें, कितना मेहनत करेंगे कि इनको जिताने का? ना हम लोग तो मेहनत नहीं करेंगे, हम लोग वोटिंग करेंगे और लोगों को प्रयास करेंगे कि लोग भी वोटिंग करें, क्योंकि ये तो आप 25 साल से सेवा दे रहे हैं इस गांव को। जी हाँ, तो इनका रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए। हाँ तो है, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा। हाँ कोशिश तो है, अभी नहीं हो तो 25-30 साल से साथे हैं हम, साथे काम भी कर चुके हैं, कर भी रहे हैं अभी भी। छवि किस तरह का है इन प्रत्याशी का, आप जो देख रहे हैं आपके सामने बैठे हैं? ना अभी ठीक है, सबसे बेहतर है, 6 कैंडिडेट हुआ मेरे पंचायत में, अभी 6 कैंडिडेट में से बेहतर माना जा रहा है इसे। क्या नाम हुआ उनका जो प्रत्याशी को? परेश सिंह। आप अपना परिचय बताएं। जी मेरा नाम लक्ष्मी नारायण सिंह हुआ, ग्राम प्रधान बड़ा वाकी। हाँ बताइए दादा कि आपके यहाँ से प्रत्याशी आपके गांव से लड़ रहा है, क्या उम्मीद लेके चले आप? हम तो बढ़ रहा है, ठीक है, लड़ रहा है। अभी तक आप लोगों के लिए कितना सेवा किए है? सेवा तो कर रहा है, करेगा, क्योंकि लॉकडाउन जैसा 2 साल का कोरोना महामारी भी खत्म हाँ। हुआ उसमें कितना इनका प्रयास हमेशा रहा है? मतलब गांव की सेवा में लगे हैं। अपना नाम अपना मंडल। इस बार मैं पहले बार मैं उपमुखिया में थे ग्राम बड़ावा की पंचायत में, और इस बार मैं खुद मुखिया में लड़ रहा हूँ। और लगभग 20-25 साल से जो जनता के सेवा में लगे हैं, और जनता भी जो चुनाव लड़ रहा है, जनता से आश्वासन मिल रहा, मदद भी मिल रहा कि चलो भाई अच्छा आदमी मिला है, बढ़िया आदमी मिला है, कर्मष्ट। और जो बीते 2 साल पहले लॉकडाउन में जनता की सेवा में लगे थे, और सरकारी कोई भी योजना भी हम लाने की कोशिश करते हैं, और जनता के साथ में रहते हैं। मतलब आने वाला, मतलब आपको ये लग रहा है कि जो सेवा की है उसका फल जनता दे? जनता जरूर देगा, और अगर नहीं भी देगा तो हम पब्लिक के सेवा में रहूंगा, और रहे भी है, रहूंगा भी। मगर 25 साल से आप सेवा देते हुए आए दादा, जी जी। अब आपको लगता है कि ये आपको एक और मौका मिला झारखंड सरकार का भी, कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपको एक गाँव में एक नया गाँव को विकास करने का भी नया पहल करेंगे? और जरूर करेंगे, अगर जनता अगर चाहा मेरे को तो जरूर सेवा करूंगा, करते हुए रहूंगा। मतलब हमको लगता है कि जो 25 साल है उससे भी ज्यादा आप सेवा देंगे। जी जी। अपना नाम परिचय बताएं। मेरा नाम परेश सिंह, गांव बड़ा वाकी।